चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी का यूजी के लिए ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर, ईएसआईसी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सीयू, इन सब के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं यूजी काउंसलिंग के लिए। तो इसको आपने कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूं। इसके बाद में मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा स्टेप बाय स्टेप का। तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ही हुए हैं, आप आराम से तसल्ली से ये रजिस्ट्रेशन करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं हम जल्दीबाजी में रजिस्ट्रेशन करके कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो इसको आपने आराम से करना है, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। तो सबसे पहले आप जैसे ही वेबसाइट पर इंटर करेंगे, वेबसाइट पे जाने के बाद में इसमें नीचे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन का ऑप्शन आएगा, इसी से नीचे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा आपको। इसके बाद में आई एग्री पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ ये फिल करने के बाद कैप्चा कोड फिल करके सबमिट करना है। तो इस प्रकार से आप ये रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद आगे के स्टेप्स में डिटेल में बता दूंगा कि कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे ही मेरा वीडियो आएगा उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं उसमें आने वाली प्रॉब्लम के साथ वीडियो बनाऊंगा और आप इसको तसल्ली से करें। तो मिलेंगे नई अपडेट में स्टेप बाय स्टेप वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।